हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं कन्वोल्यूशंस ओवर थ्री डायमेंशनल इमेज। अभी तक जो हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया था वो किया था हमने वन डायमेंशनल इमेज पर, यानी कि ग्रे स्केल पे, यानी कि ब्लैक एंड वाइट इमेज पे। तो अगर इमेज जो है वो कलर्ड इमेज होगी तो इमेज की साइज़ के साथ साथ यहाँ पर डेप्थ ऑफ द इमेज भी दी होगी, यानी कि नंबर ऑफ चैनल्स भी होंगे। तो अगर इमेज जो है वो कलर्ड इमेज है तो कलर्ड इमेज में होते हैं थ्री चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पर रेड ब्लू ग्रीन के लिए थ्री चैनल्स हैं। तो ये जो इमेज थी हमारी क्या थी, थ्री डायमेंशनल इमेज थी। तो थ्री डायमेंशनल इमेज पे जब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जैसे अगर हमारी इनपुट इमेज 6x6x3 की है और उस पर हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 3x3 फिल्टर से, तो फिल्टर के जो नंबर ऑफ चैनल्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ चैनल्स इन इमेज। तो नंबर ऑफ चैनल्स इन इमेज और नंबर ऑफ चैनल्स इन फिल्टर क्या होता है, इक्वल होता है। जब हमने इस पर कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें जो फीचर मैप मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6-3+1 यानी कि 4x4 की। और नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जितने होंगे ये उतनी डेप्थ इसकी होगी। तो नंबर ऑफ़ फिल्टर्स इसके कितने हैं, 10। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 10। तो कन्वोल्यूशन ओवर थ्री डायमेंशनल इमेज में क्या होता है, वी विल कन्वॉल्व एन इमेज ऑफ हाइट विड्थ कॉमा नंबर ऑफ चैनल्स विथ ए फिल्टर ऑफ ए हाइट विड्थ कॉमा सेम नंबर ऑफ चैनल्स। तो नंबर ऑफ चैनल्स फिल्टर में किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स इन इमेज। वी यूज मल्टीपल फिल्टर्स टू डिटेक्ट मल्टीपल फीचर्स और एजेस ऑफ इनपुट इमेज। और यहाँ पर हम मल्टीपल फिल्टर्स का क्यों यूज़ करते हैं, जिससे हम मल्टीपल फीचर्स को और एजेस को इनपुट इमेज की डिटेक्ट कर सके। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी इनपुट इमेज पे। तो मैंने आपको बताया था कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में इनपुट इमेज पहले जाती है कन्वोल्यूशनल लेयर्स के पास, और कन्वोल्यूशनल लेयर्स मल्टीपल हो सकती हैं। फिर जो फीचर मैप जनरेट होते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर्स के थ्रू वो इनपुट जाते हैं मैक्स पूलिंग के पास। और मैक्स पूलिंग स्टेप में क्या होता है, साइज़ ऑफ दी फीचर मैप रिड्यूस कर दी जाती है। फिर ये इनपुट जाता है फ्लैटनिंग स्टेप के पास, जो उसे वन डायमेंशनल इनपुट में कन्वर्ट कर देता है, यानी वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये इनपुट जाता है फुली कनेक्टेड नेटवर्क के पास और हमें फाइनली आउटपुट मिल जाता है। तो अगर सपोज हमारे पास इमेज जो है वो 39x39x3 की है, यानी यहाँ पर हमारे पास 3D इमेज है फॉर्म होता है। तो अगर हमारे पास 39x39x3 की इनपुट इमेज है तो हमारे पास जो फिल्टर्स हो गए, अगर हम फिल्टर ले रहे हैं ऑफ साइज 3x3 का, तो इसमें जो नंबर ऑफ चैनल्स होंगे वो कितने होंगे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ चैनल्स इन इमेज। और ऐसे सपोज 10 फिल्टर्स हैं, तब ये जो फीचर मैप जनरेट होंगे वो भी 10 होंगे। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैच होती है, लेकिन ये जो साइज़ होगी वो कितनी होगी, क्योंकि इनपुट साइज़ है 39 माइनस फिल्टर साइज है 3+1, तो 39 माइनस 3 इज 36 प्लस 1 इज 37। तो 37x37 की फीचर मैप हमें आउटपुट में मिलेगी, और ऐसी कितनी फीचर मैप होगी, 10, क्योंकि नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ फीचर मैप्स जनरेट होते हैं। तो ये फर्स्ट हमारी कन्वोल्यूशनल लेयर थी जिसपे हमने स्ट्राइड को 1 लिया था, पैडिंग को भी 0 लिया था। जनरेट हुआ देखो 39x39 के इनपुट इमेज थे, अब कितने की हो गई, 37x37 की। अब ये सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर के पास इनपुट में जाएगी। अब फर्स्ट लेयर में 3x3 का फिल्टर यूज़ हो रहा था, यहाँ पर 5x5 का फिल्टर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने हैं, 10, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने होंगे, 10। जब 37x37x10 इनपुट होगा तो उस पर जो 5x5x10 का फिल्टर अप्लाई होगा, और ऐसे कितने फिल्टर्स हैं, 20, तो फीचर मैप्स भी 20 जनरेट होंगे। और जो साइज़ आएगी वो कितनी आएगी, देखो यहाँ पर हमने स्ट्राइड 2 लिया है और पैडिंग 0 ली है। तो फीचर मैप की साइज़ के लिए हमने फार्मूला क्या देखा था, n-2p-f/s+1 की फ्लोर वैल्यू। तो n यहाँ पर क्या है, 37, 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि पैडिंग हमने 0 ली है। माइनस एफ करोगे तो 37-5 तो आएगा 32/2, क्योंकि स्ट्राइड 2 लिया है। तो 32/2 कितना हो जाएगा, 16, 60+1 कितना हो जाएगा, 7, तो 17x17 की फीचर मैप हमें मिल जाएगी, और इसमें नंबर ऑफ़ फिल्टर्स जितने होंगे उतनी इसकी डेप्थ हो जाएगी। अब ये कन्वोल्यूशन लेयर 2 थी जिसमें हमने 5x5 की फिल्टर्स दिए और 20 फिल्टर्स हैं ऐसे, और स्ट्राइड को हमने 2 लिया है और पैडिंग को 0 लिया है।
अब थर्ड कन्वोल्यूशन लेयर में क्या किया गया है, 5x5 का फिल्टर है, लेकिन यहाँ पर फिल्टर की डेप्थ किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ चैनल्स इन इमेज। तो नंबर ऑफ चैनल्स कितने हैं, 20, तो यहाँ पर 20 है। सपोज ऐसे 40 फिल्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं और स्ट्राइड हमने 2 लिया है और पैडिंग, स्ट्राइड हमने 2 लिया है और पैडिंग इक्वल्स टू 0 ली है, ठीक है। S3 इक्वल्स टू 2 है और P3 इक्वल्स टू 0 है। तो अब फीचर मैप की साइज़ कैसे निकालोगे, देखो ऐसे कितने फिल्टर्स हैं 40, तो फीचर मैप की डेप्थ 40 हो जाएगी क्योंकि 40 फीचर मैप जनरेट होंगे। लेकिन इसकी साइज़ क्या हो जाएगी फीचर मैप की, 17-5, क्योंकि पैडिंग की वैल्यू 0 है, तो n-2p-f था डिवाइडेड बाय s था, तो 17-5/2+1, तो 17-5 is 12, 12/2 is 6, 6+1 is 7, 7x7 की हमें फीचर मैप मिल जाएगा। और फिर फ्लैटनिंग अप्लाई होके ये सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसकी साइज़ क्या होगी, 1960। और फाइनली हमें जो आउटपुट मिल जाएगा वो भी 1960 वैल्यू का एक वेक्टर मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले इनपुट इमेज 39x39 की थी, अब कितनी हो गई सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर के लिए, कितनी हो गई 37x37 की, फिर अब इनपुट हो गई 17x17 की, तो ये कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई, 39 से वो सीधे 17 हो गई। तो ये जो रिडक्शन है इमेज की साइज़ का वो फास्टर होता है जब हम कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर ये 17x17 से 7x7 की हो गई जब हमने नेक्स्ट कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसका मतलब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से साइज ऑफ इमेज रिड्यूस होती जाएगी। अभी जो हमने ये एग्जांपल देखा इसमें क्या था, हमने मैक्स पूलिंग नहीं अप्लाई की थी।